नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों ने रेलवे स्टेशन पर पीले रंग का बोर्ड देखा होगा और उस बोर्ड पर यह भी देखा होगा कि नीचे की तरफ समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है। क्या आपने कभी यह सोचा है यह ऊंचाई क्यों लिखी होती है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को समुद्र तल की ऊंचाई से क्या मतलब? रेलवे स्टेशन पर क्यों लिखा होता है ऐसा? रेलवे स्टेशन पर मौजूद पीले रंग के बड़े बोर्ड पर जगह का नाम तो लिखा ही होता है, लेकिन बोर्ड पर न केवल स्टेशन का नाम बल्कि समुद्र तल से ऊंचाई जैसे 400 मीटर, 310 मीटर, 150 मीटर लिखा हुआ देखा होगा। दोस्तों, भारत में अधिकतर लोग ट्रेन से सफर करते हैं क्योंकि भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। लेकिन ट्रेन से यात्रा करते समय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने को मिलती हैं, जिनमें रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन तक की कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। हालांकि लोग वास्तव में इसे नहीं समझ पाते, फिर खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन वे चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में जानने जा रहे हैं जो आपने देखी तो होगी लेकिन शायद आप समझ नहीं पाए होंगे। स्टेशन पर क्यों लिखी होती है समुद्र तल से ऊंचाई? जब भी हम घूमने या लंबी यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहले हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन आपने रेलवे स्टेशन पर अलग अलग जगहों पर चिन्ह या कुछ लिखा हुआ देखा होगा। स्टेशन पर मौजूद पीले रंग के बड़े बोर्ड पर जगह का नाम तो लिखा होता है, लेकिन बोर्ड पर ना केवल स्टेशन का नाम बल्कि समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है। हम कभी नहीं सोचते कि समुद्र तल की ऊंचाई क्यों लिखी जाती है, क्या इसका मतलब है? क्या यह यात्री की जानकारी के लिए लिखी जाती है या इसके पीछे कोई कारण होता है? दोस्तों, रेलवे स्टेशन के नाम के बोर्ड के नीचे हिस्से पर उस स्टेशन से समुद्र तल की ऊंचाई का भी जिक्र होता है, जैसे MSL 214-42, MTS। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर ये संख्या अलग अलग होती है। क्या आपको इस MSL का मतलब पता है? अगर नहीं तो आइए हम बताते हैं। मुसाफिरों से नहीं होता कोई लेना देना। देश के लगभग सभी रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई लिखी जाती है। देखा जाए तो एक आम मुसाफिर को इससे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन ये संकेत किसी भी ट्रेन चालक, ट्रेन ड्राइवर और गार्ड के लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उस स्टेशन से गुजरने वाले सभी मुसाफिरों की सुरक्षा से जुड़ा संकेत होता है। हालांकि रेलवे के पायलट यानी चालक अपना काम बखूबी जानते हैं, इसके बावजूद कुछ प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं शुरुआत से ही फॉलो किया जा रहा है, ट्रेन ड्राइवर के लिए ज़रूरी होता है ऐसा। ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर इस MSL का क्या मतलब होता है, ये लिखा होना क्यों ज़रूरी होता है। दरअसल किसी भी रेलवे स्टेशन पर समुद्र तल से ऊंचाई का जिक्र ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड की मदद के लिए किया जाता है, जिससे ट्रेन के ड्राइवर को इस बात की जानकारी हो सके कि आगे अगर हम ऊंचाई की तरफ ट्रेन को लेकर चल रहे हैं तो हमें ट्रेन की स्पीड कितनी रखनी है, ट्रेन को ट्रेन की गति कितनी रखनी चाहिए, ड्राइवर को ट्रेन की गति कितनी रखनी चाहिए, वहीं गाड़ी के इंजन को कितनी पावर सप्लाई देनी है जिससे वो आसानी से ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ सके। इसी तरह अगर ट्रेन समुद्र तल के लेवल से नीचे की तरफ जा रही है तो ड्राइवर को ट्रेन की गति कितनी रखनी होगी, वहीं अगर ट्रेन नीचे की ओर जाएगी तो किस रफ्तार में आगे बढ़ेगी, यही सब जानने के लिए समुद्र तल की ऊंचाई MSL लिखी जाती है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।